अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे अपने बहन भाई बच्चे बच्चियां बल्कि पूरे आलम इस्लाम और आलम दुनिया के लिए अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश आई हुई है जो आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। या अपनी जिंदगी में तो हमने नहीं देखी आज तक, तो इसमें जितनी भी एहतियात की जा सकती है करें। हुकूमत जो हमें एहतियातें बता रही है उसका ख्याल करें। इटली की सूरत हाल बहुत बदतरीन हो चुकी है, बाकी ममालिक भी इस तरह उसकी लपेट में आ रहे हैं। तो तवक्कल का मतलब गलत न समझा जाए, तवक्कल का मतलब मेरे नबी ने समझाया, औकुल सुम्मा तवक्कल, के पहले अपने ऊंट की टांग को बांधो फिर अल्लाह पे तवक्कल करो। तो अगर मुसाफा करने से ये बढ़ रही है मुसाफे से बचें, इज्तमाआत से बढ़ रही है इज्तमाआत से बचें, वो दीनी हो वो सियासी हो वो दुनियावी हो उन सब से बचें। और ऐसे ही मस्जिद में बाजमात नमाज से अगर ये तकलीफ फैलती है तो अपने घरों में नमाज पढ़ें। मेरे नबी ने बारिश के वक्त कह दिया था बिलाल रजी अल्लाह अन्हु से, सल्लू फी रिहालिकुम, के ऐलान करो कि अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें। तो मेरी ये मुख्तसर दरख्वास्त है, पूरी दुनिया एक संगीन संगीन सूरत हाल की लपेट में है, हम इसे आसान न समझें। हम अपनी मदद करें, हुकूमत की मदद करें, दूसरों की मदद करें, पूरी एहतियात करें। मैं खुद भी अपनी जमीनों पर आया हुआ हूँ, आप देख रहे होंगे, ये मेरे भांजे का रकबा है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ दाएं बाएं एक जंगल की शक्ल है। तो सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, एहतियाती तदबीर करें, बाकी जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। अस्सलामु अलैकुम।